बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, जो है चैप्टर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बेसिकली इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल होता है ना उसको। जैसे कि आप लोग अगर अपनी प्रीवियस मेमोरी रिकॉल करें तो 9th क्लास बायोलॉजी में हमने डिस्कस किया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने डिस्कस किया था इंडिविजुअल लेवल को, ठीक है। अब इंडिविजुअल लेवल तभी एक जो है ना वो हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअली तब काम कर सकता है जब उसके अंदर पूरा ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट हो, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग कोऑर्डिनेशन की दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसे नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। इसके अलावा हम इस चैप्टर में नर्वस कोऑर्डिनेशन की डिटेल डिस्कस करेंगे, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे हम। इसके अलावा रिसेप्टर्स के डिफरेंट एग्जांपल्स को भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारी आँख हो गई, ठीक है, हमारा ईयर हो गया। इस तरह से हम लोग डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। अब कोऑर्डिनेशन के बारे में आप सिंपली कह सकते हैं कि इट डेवलप्स व्हेन अ बॉडी वर्क्स एज वन यूनिट, ठीक है, एंड इट्स ऑर्गन्स वर्क्स इन हार्मनी। यानी कि कोऑर्डिनेशन तब पैदा होती है जब एक बॉडी, एक जिस्म, एक यूनिट के तौर पे काम करती है और इसके तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो मिल के हारमोनी से काम करते हैं। हारमोनी यानी कि हम अंगी से काम करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग कोऑर्डिनेशन के टाइप्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन की बेसिकली टू टाइप्स है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन है और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन है। इन दोनों की डिटेल को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए हमारा नर्वस सिस्टम मौजूद होता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए हमारी बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, अभी फ़िलहाल आप टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में इतना ही समझ लीजिए जितना मैंने आपको बताया। फर्दर लेक्चर्स में हम इसको डिटेल से साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। आपको समझ आ गई है ना कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास पूरा नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे हमारे पास नर्वस सिस्टम है ना, ऐसे ही हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, ठीक है, ये मौजूद होता है। जिसे एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली हमारे ग्लैंड्स, हार्मोन्स का सिस्टम होता है सारा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन को। कोऑर्डिनेशन की अगर बात की जाए तो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, 5 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली इसके। अब ये 5 कंपोनेंट्स कौन से हैं, देखिए, स्टिमुलस, सेकंड रिसेप्टर, थर्ड कोऑर्डिनेटर, फोर्थ इफेक्टर एंड लास्ट वन इज़ रिस्पॉन्स। स्टिमुलस को स्टिमुलाई भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि पहला कंपोनेंट है कोऑर्डिनेटेड एक्शन का। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली स्टिमुलाई होता क्या है। स्टिमुलाई इज़ अ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। इसके डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि एनी चेंज इन एनवायरनमेंट दैट प्रोवोक अ रिस्पॉन्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये स्टिमुलस की डेफिनेशन है। आपने इसे अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। पेपर में अगर आपसे स्टिमुलस की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप यही लिख दीजिएगा, ये बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है। इसका मतलब है कि किसी जानदार के इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चेंजेस आ जाएं जिसके रिज़ल्ट में वो कोई रद्द अमल देने पे मजबूर हो जाए, यानी कि उसे रिस्पोंड करने पर मजबूर कर दे, इसको स्टिमुलस बोला जाता है, ठीक है। जो चीज़ उसे रिस्पोंड करने पे मजबूर कर रही है ना, उस चीज़ को स्टिमुलस या स्टिमुलाय बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके जिस्म पर, अगर आपकी बॉडी पे या बॉडी के किसी पार्ट पे कोई तकलीफ दे चीज़ जो है वो टच कर जाए तो आपको पेन फील होती है, यानी कि तकलीफ़ का एहसास होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी जो बॉडी का कोई पार्ट, यानी कि आपका हैंड ही लगा लें कि आप किसी गर्म चीज़ को अगर टच कर जाता है तो आपको फ़ौरन से एहसास होता है पेन का, ठीक है, जलन का, कि आपको गर्म महसूस हुआ है, तो आप क्या करते हैं कि फ़ौरन से अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझ लीजिए कि आप, ये स्टिमुलस है जिसकी वजह से आपने अपना हाथ को पीछे खींचा है, यानी कि स्टिमुलस के रिज़ल्ट में आपने रिस्पॉन्स किया है, रिस्पोंड किया है, ठीक है।
एक और एग्जांपल देखें तो अगर आपका हाथ किसी नुकीली चीज़ को टच कर जाए, ठीक है, कोई नोकदार चीज़ है उसको आपका हाथ टच हो गया, तो फ़ौरन से आप अपना हाथ जो है वो पीछे खींच लेते हैं, ठीक है। यानी कि एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का स्टिमुलस था, ठीक है, उसके रिज़ल्ट में आपने फ़ौरन से रिस्पॉन्स किया। इसी तरह से आपका जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है, ठीक है, एक्सटर्नल टेम्परेचर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो हो गया, यानी कि सर्दी हो गई है, तो आप फ़ौरन से जो है गर्म कपड़े यूज़ करते हैं। यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एक स्टिमुलस आया, उसके रिज़ल्ट में आपने रद्दअमल दिया, आपने रिस्पॉन्ड दिया किया कि आप ना फ़ौरन से गर्म कपड़े यूज़ करें ताकि आपको वो जो स्टिमुलस है वो आप पे इफ़ेक्ट ना करें। इसी तरह से अगर आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर जाए, रेज़ हो जाए, ठीक है, यानी गर्मी बढ़ जाए, तो आप फ़ौरन से ऐसे कपड़ों का यूज़ करते हैं जिससे आपको गर्मी कम लगे, ठीक है। और ये स्टिमुलस है टेम्परेचर का जो हमने डिस्कस किया, इससे पहले हमने स्टिमुलस डिस्कस किया पेन का, जिसमें हमने कहा कि हमारा हाथ कोई नोकदार चीज़ को टच हो जाए या किसी गर्म चीज़ को टच हो जाए, तो वो स्टिमुलस था पेन का, ठीक है। ये सारे स्टिमुलस हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा एक मतलब चीज़ है जिसके रिज़ल्ट में हमारी बॉडी रद्दअमल देने पे, यानी रिस्पॉन्ड करने पे मजबूर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड कंपोनेंट जो कि रिसेप्टर है, ठीक है। रिसेप्टर बेसिकली क्या करता है कि ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, इसका बुनियादी काम है कि ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है और कोई भी चेंज, कोई भी तब्दीली के मुताबिक बॉडी को ढालना है, बाहर आने वाले किसी भी चेंज के अकॉर्डिंग बॉडी को रिस्पॉन्ड करने के लिए जो है ना वो तैयार करना है, ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सके हमारी बॉडी बाहर के चेंज के अकॉर्डिंग। बेसिकली ऐसे ऑर्गन्स को रिसेप्टर कहा जाता है जो स्पेसिफिकली बिल्ट टू डिटेक्ट एनी स्टिमुलस, वेदर स्टिमुलस जो है वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, ठीक है। ये जो है ना ये रिसेप्टर कहलाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि रिसेप्टर ऐसा ऑर्गन है जो कि स्पेसिफ़िकली इस चीज़ के लिए बना है या इस चीज़ के लिए बनाया गया है ताकि वो डिटेक्ट कर सके, पहचान सके कोई भी आने वाले स्टिमुलस को, ठीक है, चाहे वो एक्सटर्नली आ रहा है या इंटरनली आ रहा है। यानी ख़ास ऑर्गन्स जो ख़ास किस्म के मकसद के तहत बनाए गए हैं ताकि ख़ास किस्म के स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकें, ये रिसेप्टर्स कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी स्किन पे ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि टच के लिए सेंसिटिव हैं और साथ ही साथ वो पेन के लिए भी सेंसिटिव हैं, ठीक है, और टेम्परेचर सेंसिटिव भी हैं। और हमारी स्किन में जो ख़ास किस्म के मसल्स मौजूद हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं वो, यानी कि ऐसे अज़ा जिनका बुनियादी काम स्टिमुलस को डिटेक्ट करना है वो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं। अगर हम फर्दर एग्जांपल्स को देखें तो हमारे जो ईयर्स हैं यानी कि कान, वो रिसेप्टर्स हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं साउंड को, ठीक है। इसके अलावा हमारे आइज़ भी रिसेप्टर हैं, ठीक है, जो कि विजिबल लाइट को डिटेक्ट करती हैं, यानी इमेज विजुअलाइजेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। बेसिकली हमारा नोज़ भी एक रिसेप्टर ऑर्गन है, ठीक है, जो कि स्मेल को डिटेक्ट करता है, स्मेल कोई स्टिमुलस के तौर पे स्मेल आ रही है उसको हमारा जो ऑर्गन है, रिसेप्टर ऑर्गन है नोज़, वो उसे डिटेक्ट करेगा, ठीक है। रिसेप्टर के एग्जांपल में आप आई, ईयर, नोज़ को जो है ना वो लिख सकते हैं। बेसिकली कोऑर्डिनेटर्स आर ऑर्गन्स दैट रिसीव स्टिमुलाई इंफॉर्मेशन एंड ऑर्डर टू परफॉर्म रिस्पॉन्स एक्शन, ठीक है। यानी कि कोऑर्डिनेटर्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और रिस्पॉन्स एक्शन की परफॉर्मेंस के लिए ऑर्डर देते हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो हमारा दिमाग, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड इसकी एग्जाम्पल है। ये दोनों हमारी बॉडी के ख़ास ऑर्गन्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, यानी कि स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उसे रीड करते हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद उसे रीड करते हैं, डीकोड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, और उसके मुताबिक ख़ास ऑर्गन्स को ऑर्डर देते हैं ताकि वो इसके मुताबिक जो है वो स्टिमुलाई के मुताबिक रिस्पॉन्स कर सकें, यानी कि इसका रद्दअमल दे सकें या फिर इसका जवाब दे सकें। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो
यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स होते हैं ना वो कोऑर्डिनेटर्स का काम करते हैं। नेक्स्ट अब हम फोर्थ कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं जो कि इफेक्टर है। ऑर्गन्स दैट परफॉर्म रिस्पॉन्स एक्शन इज़ नोन एज इफेक्टर्स। ये वो ऑर्गन्स हैं जो कि रिस्पॉन्स एक्शन को परफॉर्म करते हैं ऑन रिसीविंग पर्टिकुलर ऑर्डर्स फ्रॉम कोऑर्डिनेटर इन रिस्पॉन्स टू पर्टिकुलर स्टिमुलाय और स्टिमुलस। यानी कि जब ख़ास किस्म के स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेटर के पास जाती है तो कोऑर्डिनेटर्स उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऑर्डर देते हैं और उन ऑर्डर्स के मुताबिक जो ऑर्गन्स रिस्पॉन्स करते हैं वो इफेक्टर्स कहलाते हैं। अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ख़ास ऑर्गन्स को ऑर्डर्स देते हैं और वो रिस्पॉन्स शो करते हैं और उन ऑर्गन्स को इफेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद ख़ास किस्म के रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। अब इफेक्टर्स जो हैं वो मसल्स भी हो सकते हैं और टिश्यूज़ भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रिस्पॉन्स को। रिस्पॉन्स इज़ द एक्शन परफॉर्म इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलाय। यानी कि ऐसा अमल जो कि ख़ास स्टिमुलाय के जवाब में सरंजाम दिया जाता है उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके हाथ पे किसी नुकीली चीज़ का छू जाना और उसके जवाब में आपके बाजू के मसल्स का हरकत में आना और हाथ का पीछे की तरफ खिंच जाना, ये क्या था? रिस्पॉन्स है। स्टूडेंट्स, अगर कोऑर्डिनेशन की मिसाल की बात की जाए तो हम अगर क्रिकेट के एग्जांपल को कंसीडर करें तो क्रिकेट मैच के दौरान एक फील्डिंग करने वाला खिलाड़ी जब कैच पकड़ने के लिए बॉल के पीछे भागता है तो सैकड़ों मसल्स की मूवमेंट उसमें हेल्प करती है। यानी कि सैकड़ों मसल्स ऐसे होते हैं जो कि उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। जब वो तेज़ी से भागता है तो उसके दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है, उसके सांस लेने की स्पीड बढ़ जाती है और रिस्पिरेशन का अमल तेज़ हो जाता है और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सांस तेज़ी से चलता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा ATP एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, और टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए स्वेट ग्लैंड्स हरकत में आते हैं। ठीक है, जिसके रिज़ल्ट में पसीना आता है और बॉडी को कूल डाउन करता है। इसमें तमाम ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो मिल के काम करते हैं। इसमें रिस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, इसके अलावा हम कह सकते हैं स्केलेटल सिस्टम या फिर मस्कुलर सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व होता है। यानी सब सिस्टम जो हैं वो कोऑर्डिनेशन से वर्क कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल में भी इसी तरह से इन सब सिस्टम्स का जब कोऑर्डिनेशन से मतलब इन्होंने वर्क किया तो उसके रिज़ल्ट में ही जो है वो अपना काम कर पाया, यानी कि बॉल को कैच कर पाया। स्टूडेंट्स, आज का पूरा लेक्चर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपने अच्छे से समझना है। ठीक है, और अच्छे से याद कर लेना है। आपको इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे स्टिमुलस की डेफिनेशन वगैरह, इस तरह की शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड एक्शन के जो कंपोनेंट्स हैं वो पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपने पाँचों कंपोनेंट्स के नेम लिखने हैं, उनकी डेफिनेशन और विद एग्जाम्पल मैंशन कर देना है। ठीक है, इसी तरह आपसे दो तरह के कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस पूछा जा सकता है, जिसमें आपने तीन फ़र्क लिखने हैं। ठीक है, नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस पूछा जा सकता है, इसमें आप तीन फ़र्क लिख सकते हैं, यानी कि तीन डिफरेंस लिख सकते हैं, जिसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटेड है और जो है ना केमिकल कोऑर्डिनेशन उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कोऑर्डिनेटेड होते हैं। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर न्यूरॉन्स और नर्व टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे दो फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स आप कह लें शो हो रही हैं, उसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो नर्व्स के ज़रिए होती है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं वो ब्लड को इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा चैप्टर 12 के फर्स्ट टॉपिक यानी कि इंट्रोडक्शन पे था। सबसे पहले हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा कि बेसिकली कोऑर्डिनेशन में हमारी जो बॉडी है वो एज अ यूनिट वर्क करती है और इसके जो ऑर्गन्स है वो एक हार्मनी में वर्क करते हैं, हम अंगी के साथ वर्क करते हैं।
इंग्लिश में आपने इसकी डेफिनेशन ऐसे याद करनी है कि कोऑर्डिनेशन डिवेलप व्हेन अ बॉडी वर्क एज वन यूनिट एंड इट्स ऑर्गन वर्क्स इन हार्मनी। नेक्स्ट हमने इसके टाइप्स को डिस्कस किया था जिसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन आ जाता है। हमने सिंपली अभी इसमें इतनी बात ही डिस्कस की थी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारा एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कोऑर्डिनेटेड एक्शन को डिस्कस किया जिसके 5 कंपोनेंट्स थे। कौन कौन से 5 कंपोनेंट्स थे? स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर और रिस्पॉन्स। इन सबको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। स्टिमुलस की डेफिनेशन में आप लिखेंगे एनी चेंज इन एनवायरनमेंट दैट प्रोवोक अ रिस्पॉन्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सारी डेफिनेशंस मैं आपको दोबारा से इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इन डेफिनेशन को नोट डाउन कर ले और अच्छे से याद कर ले। पेपर में आप यही डेफिनेशन लिखेंगे तो आपका जो है मार्क्स वो इंशाल्लाह कन्फर्म होंगे। और स्टिमुलस की एग्जाम्पल में आप कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस दे सकते हैं जैसे कि कोई हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा रिसेप्टर में आप उसकी डेफिनेशन में बता सकते हैं कि बेसिकली ऑर्गन दैट स्पेसिफिकली बिल्ड टू डिटेक्ट एनी स्टिमुलाई, ठीक है। ये था हमारा रिसेप्टर और ईयर, आई, नोज़, ये रिसेप्टर के एग्जांपल में आ जाते हैं। कोऑर्डिनेटर्स की डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं ऑर्गन दैट रिसीव स्टिमुलाई इंफॉर्मेशन एंड ऑर्डर टू परफॉर्म रिस्पॉन्स एक्शन। ये कोऑर्डिनेटर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट आप इफेक्टर की डेफिनेशन में लिखेंगे कि ऑर्गन्स दैट परफॉर्म रिस्पॉन्स एक्शन इज नोन एज इफेक्टर्स। और रिस्पॉन्स की डेफिनेशन में आप लिखेंगे एक्शन परफॉर्म इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई इज नोन एज रिस्पॉन्स। और इन सब की एक अगर कलेक्टिव एग्जांपल आप देखें तो इसमें ये भी आ सकता है कि कोई हॉट ऑब्जेक्ट था, ठीक है, आपका हाथ जो है उस हॉट ऑब्जेक्ट को टच हुआ है, ये स्टिमुलस आया, ठीक है। अब हमारे जो न्यूरॉन्स थे, हमारे जो नर्व इम्पल्सिस गई हमारे ब्रेन तक इस रिस्पॉन्स को लेके, ठीक है, उसका जो रिस्पॉन्स आया है ना, रिस्पॉन्स को लेके, यानी उसे हम ब्रेन तक लेके गई हैं, ठीक है, ब्रेन पे या स्पाइनल कॉर्ड में, वहाँ जाके क्या हुआ है कि उस इंफॉर्मेशन को रीड किया गया, उसको डीकोड किया गया और उसका जो है वो आंसर किया गया, ठीक है, उसका जो है ना आंसर वो दोबारा से वापस भेजा गया है, ठीक है, और इफेक्टर्स, ठीक है, इफेक्टर्स के थ्रू, और हमारा रिस्पॉन्स आया, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे मसल्स ने फ़ौरन से एक्ट किया, इफेक्टर्स हमारे मसल हैं, उन्होंने फ़ौरन से एक्ट किया, हमारा हाथ फ़ौरन से क्या हुआ, पीछे को हो गया, ठीक है। ये हमारा पूरा इन 5 कंपोनेंट्स के एग्जांपल आ जाती है। और इसके अलावा हमने लास्ट में जो है नर्वस सिस्टम और ये नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन, इनमें अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए तो हमने इनके 2-3 डिफरेंस को डिस्कस किया है, वो आपने अच्छे से याद कर लेना है इनके डिफरेंस को, ठीक है। ये जो फ्लो चार्ट हैं दोनों बने हुए हैं, डायग्राम्स बनी हुई हैं नर्वस सिस्टम का और एंडोक्राइन सिस्टम का, ये आपने अच्छे से इसको इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको बना के देखना है ताकि आपको ये भूले ना, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा आप साथ में इसका ये फ्लो चार्ट दोनों का ड्रॉ कर देंगे और साथ में डिफरेंस जो है ना वो लिख देंगे तो आपको इंशाल्लाह इसके जो है ना पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये था आज का लेक्चर, हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्दर चैप्टर को जो है ना कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, समझें, और अगर आपको कोई भी चीज़ इनके समझ नहीं आती है, आपको कन्फ्यूजन होती है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें, हम आपको उसका इंशाल्लाह ज़रूर आंसर करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप ना बिला झिझक पूछ लिया करें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।